नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाइका के IPO की, और नाइका के IPO का अगर GMP की बात करें तो GMP वापस से अप हो गया है। अब GMP क्या है ये अभी आपको पता लगेगा, लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। वहीं अगर स्टॉक की बात करें तो अलॉटमेंट अब शेयर्स के हो चुके हैं, जिन जिनको IPO में शेयर मिले हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों अब जिनके लिए मैसेज तो आ गया है कि शेयर अलॉट हो गए हैं, लेकिन आपके डीमैट में अगर शो नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, तो फिलहाल आपको यहां पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कंपनी की लिस्टिंग होती है, खासकर उसी दिन आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाते हैं। फिलहाल यहां पर सारी परेशानी आपकी 11 तारीख को हल हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग 11 नवंबर देखने को आपको मिलती है। तो वहीं 11 नवंबर को 10 बजे से पहले पहले आपके अकाउंट में ये शेयर आ जाएंगे हर हालत में। तो यहाँ पर आपको कोई सवाल और जवाब करने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही डरना चाहिए। अगर आपके पास मैसेज आया है अलॉट का तो जरूर, और वहीं सिंपल सी बात है, अगर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ चुके हैं तो आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और अगर आपके लिए पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, ईमेल आ चुका है, तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए स्टॉक अलॉट हो गया है। देखिए अलॉट हो या ना हो, ईमेल तब भी आता है, तो आप सबसे अच्छा अपना ईमेल बॉक्स चेक कर सकते हैं अगर आपको ये पता करना है कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। कहीं इधर उधर चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करें अगर स्टॉक के GMP की, तो देखिए GMP जहां आपने देखा 700 रुपये के करीब चल रहा था, वहीं अभी ये GMP 765 रुपये पर पहुंच गया है। 1100 रुपये का प्राइस मान के चल सकते हो, और 765 रुपये का GMP मतलब इसकी लिस्टिंग आपके लिए 1800 से 1900 रुपये की देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर जो चांसेस है वो 1900 से 2000 रुपये के लिस्टिंग के हैं। मतलब यहाँ पर लगभग आपका पैसा डबल होने के चांसेस हैं। अब देखिए आप अपनी स्ट्रेटर्जी को कुछ इस तरह से भी लेकर के रख सकते हैं कि आप अपना लगाया हुआ पैसे का 70% निकाल सकते हैं और बाकी का शेयर छोड़ सकते हैं अपने डीमेट में जितने टाइम आप चाहें होल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो देखिए जिस तरह का इनका बिजनेस है नाइका का, देखिए लेडीज प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बनाती है, और अगर उसका ब्रांड अच्छा है, देखिए इनका ब्रांड अच्छा है, नेम अच्छा है, तो ब्रांड वैल्यू का भी फर्क पड़ता है, और जिसका फ्यूचर में जरूर फायदा देखने को मिलता है। अब इंडिया में भी डेवलपमेंट हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही लेडीज के प्रोडक्ट बनाने में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और भाई सेल पे भी काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। जहां कंपनी एक टाइम लॉस मेकिंग थी, वहीं अब प्रॉफिट में है, बेशक चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट सही, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को बड़ा प्रॉफिटेबल बनने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए यहां पर आपको नो टेंशन इस स्टॉक में बने रहने की भी सलाह दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ यहां से लिस्टिंग गेन कमाना था, तो आप 11 तारीख को ये शेयर 11 से 12 बजे के बीच इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यहां पर क्या करना है, कितना पैसा निकालना है और कितना पैसा छोड़ना है। और फिलहाल जिन जिन के लिए ये शेयर अलॉट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस किस को ये शेयर मिले हैं और किस किस को ये हाथ से छूटते हुए नजर आए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।